आज जो मैं रेमेडी आपके लिए लेके आई हूँ ये खास आपकी हेल्दी ग्लो के लिए, आपके स्किन की शाइनिंग के लिए, आपके स्किन की हेल्थ के लिए है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है तमाम लोग खैरियत होंगे, खुश होंगे, खूबसूरत होंगे जैसे कि हैं आप लोग हमेशा की तरह। हम अक्सर बात करते हैं खूबसूरती की, बल्कि बेतहाशा दफ़ा यही बात होती है खूबसूरती की, उसमें गोरा रंग ये कुछ भी है, लेकिन हज़ार दफ़ा लाखों दफ़ा जो है हम एक ही बात कर रहे थे कि गोरा रंग कोरे रंग के लिए, और उसमें हमारा कसूर नहीं है क्योंकि लोग डिमांड यही करते हैं। लेकिन आज जो मैं रेमेडी लेके आई हूँ टोटली डिफरेंट है, क्योंकि गोरा रंग एक अलग कंडीशन है, तो हमारी ख्वाहिश है और हमारे स्किन की कंडीशन है कि उससे कॉम्प्लेक्शन को बेटर करना, स्किन के जो कॉम्प्लेक्शन है उसको इवेंट ऑन करना ये बहुत ज़रूरी है। बट आज की जो रेमेडी है वो डिफरेंट इसलिए कि रंग गोरा, आपने सुना होगा कि फीका शलजम क्यों कहा जाता है, कि रंग तो बहुत गोरा, उसमें कोई चमक नहीं है, कोई कशिश नहीं है, तो उसको कहा जाता है कि भाई चिट्टा रंग है लेकिन उसमें कोई कशिश नहीं है। कशिश तो गंदमी रंग में होती है या सांवले रंग में होती है, लेकिन कशिश जो है वो खूबसूरती जो है असल में फ्लॉलेस स्किन के ऊपर और आपके चेहरे के ग्लो के ऊपर, ताजगी के ऊपर होती है, आपकी स्किन की हेल्थ के ऊपर होती है। अगर आपकी स्किन हेल्दी है, चाहे वो कलर कोई सा भी हो, मैं सांवले की बात करूँ तो क्योंकि काला भी है तब भी उसमें बहुत कशिश होगी, बट स्किन अगर फ्लॉलेस है, आपकी शाइनी है, ग्लो कर रही है और हेल्दी है, तो आपका आप यूँ समझ लें कि आप एक बहुत ही खूबसूरत चेहरे के मालिक हैं, शख्सियत के या कहना चाहिए स्किन के मालिक हैं, और उसके लिए लाख जतन किए जाते हैं। और असल जो खूबसूरती है स्किन की उसको लोग पीछे छोड़ के गलत डायरेक्शन पे भाग रहे हैं, उनका लगता है सिर्फ रंग गोरा होगा, चाहे वो फॉर्मूला क्रीम से हो जाए, चाहे किसी केमिकल से हो जाए, चाहे किसी भी तरह से हो जाए कि ऐसी ख़तरनाक वाली हम पील कर लें कि चेहरे की स्किन उतर जाए, बस रंग गोरा हो जाए। और उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, हम खुद तीन रंग के हो गए हैं, चेहरा कुछ है, हाथ कुछ है, पैर कुछ है, तो ऐसा नहीं है। अपनी स्किन की हेल्थ का ख्याल रखना ज़रूरी है। आज जो मैं रेमेडी आपके लिए लेके आई हूँ ये खास आपकी हेल्दी ग्लो के लिए, आपके स्किन की शाइनिंग के लिए, आपके स्किन की हेल्थ के लिए है। इसमें मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आप इसको पियेंगे तो आप जो है ना बहुत चिट्टे हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप खुद कहेंगे कि आपका जो है यूँ समझ लें कि आपके स्किन से आपकी हेल्थ नज़र आएगी और एक बहुत खूबसूरत ग्लो, जिसके लिए लोग डिफरेंट ट्रीटमेंट्स करवाते हैं, लोग डिफरेंट ड्रिप्स लगवाते हैं, लोग बहुत जतन करते हैं, सीरम्स लगाते हैं कि वो ग्लो आ जाए, कि कुछ भी नहीं लगाया चेहरे पे एक शाइन आ रही है जो कि फिल्टर्स के अंदर होती है। जी बिल्कुल, वो शाइन आपको मिलेगी। चलते अपनी रेमेडी की तरफ। सिंपल सी है, बहुत आसान सी चीज़ है। आप देख रहे हैं मेरे पास आधा गिलास पानी, इसको मैं तैयार करके रखा हुआ है, लेकिन मैं आपको फिर बताती हूँ। आपने आधा गिलास पानी जो है तकरीबन आपने पहले लेना है एक गिलास पानी या डेढ़ कप पानी। उसमें जो है ये पालक है, फ्रेश पालक आप हमारे पास रखी हुई है, इसको साफ़ करके धो के साफ़ कर लेना है, इसको काट लीजिए या थोड़ा सा वो कर लीजिए, पीसेस कर लीजिए, क्योंकि बड़े बड़े पत्ते होते हैं। वन स्पून एक चाय का चमचा जो है या डेढ़ कप पानी ले रहे थे एक खाने का चमचा आपने पालक के पत्ते लिए हैं साफ़ करके, उसके बाद जो एक आधा चाय का चमचा जो आपने सौंफ ली है, और उसमें जो है आप दो अदद लौंग लेंगे और एक ग्रीन टी बैग, इसको आप खोल के एक चाय का चमचा डाल सकते हैं, नहीं तो ग्रीन टी का जो टी बैग है वो भी ऐड कर सकते हैं। आपने पालक डाली, ग्रीन टी डाली है, सौंफ डाली है, दो लौंग डाली है, उसके बाद इसको पकाना है। जब आपका जो है एक कप पानी रह जाएगा उसमें शहद या हसबे जायका चीनी मिला के ये पूरे दिन में एक दफ़ा आपने जो है पीना है। नीम गर्म पिया जाएगा, सही टाइम जो है इसका सुबह 10 से 11 बजे का है, या सहपहर का जो टाइम होता है खाना खाए हुए तकरीबन 1.5 से 2 घंटे हो जाए तो इसको पिया जाए, बेस्ट टाइम होता है। आपने इसको पीना है, रोज़ आना पीना है, तकरीबन कम से कम भी आपने 1 से 2 महीने इसको लगातार पीना है, फ़र्क नज़र आएगा। इसके अंदर आयरन मौजूद है, लौंग है जो कि आपके लिवर को डिटॉक्स करती है, ग्रीन टी आपके बॉडी को, आपके ब्लड को डिटॉक्स करती है, और ये तमाम चीज़ें मिल के जो है आपको हेल्दी ब्लड, उसकी सर्कुलेशन जो है उसको बढ़ाता है, और जिसकी वजह से जो है आपका फेस नेचुरली बहुत ज़्यादा ग्लो करता है, स्किन हेल्दी हो जाती है। जिनकी स्किन डैमेज हो गई है, पतली हो गई है, वेंस नज़र आ रही है, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। आपने इसको बनाना है, पीना है, इसका कोई नुकसान नहीं है, तमाम लोग पी सकते हैं। सिर्फ वो ख़वातीन जो प्रेग्नेंट हैं उनको फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर मैं मना करूँगी, अपने डॉक्टर से मशवरा करके पीजिए। बाकी इसको 12 साल की उम्र से कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इस्तेमाल कीजिए,
फ़ायदा उठाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमें फीडबैक दीजिए। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, खुश रहने दें, अल्लाह हाफ़िज़।